मैं भी इंसान हूं, गलती हमसे हो जाती है। एक गलती हमसे हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं। जब इंसान तो गलतियों का पुतला होता है और तो लगातार हमसे आपसे या फिर किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो ना हो, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने इसके बावजूद भी अपने सभी फैंस से माफी मांगी है। और विवाद आप सभी से छुपा नहीं है, एक तरफ खेसारी लाल यादव तो दूसरी तरफ पवन सिंह, इनके आपसी मतभेद हो गई है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सब कुछ खत्म हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स आज भोजपुरी के गानों को उस लेवल पर ले जा चुके हैं जिसकी कल्पना हम सभी ने कभी नहीं की थी। वैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों फैंस की डिमांड पर पवन सिंह लाइव आए हैं, जिसमें उन्होंने काफी कुछ कहा भी है। चाहे भिखारी ठाकुर हो या फिर हो मनोज तिवारी, रवि किशन, सभी की वो रिस्पेक्ट करते हैं। और आज भी पवन सिंह अपने आप को बड़े दर्जे का सुपरस्टार कहने से ही बचते हैं। वैसे हो ना हो इसमें कोई शक नहीं है, पवन सिंह ने भोजपुरी के लेवल को उस मुकाम पर लेकर गए हैं जिसके बारे में हम सभी ने शायद सपनों में ही सोचा था। और आज चाहे सोनू निगम हो या फिर गुरु रंधावा, ये भी भोजपुरी गानों को सुनते और पसंद करते हैं। वीडियो से आप सभी कितने सहमत हैं? तो ये क्यों बोल रहा है कि बाकी सब इस उन्होंने तो ये किया भी नहीं था, इससे समझ में